कि आ अपना नॉर्मल गोडा हुंदा है, ठीक है जी। इस स्टेज के उत्ते आपां गोडा नहीं बदलते, इस स्टेज के उत्ते आपां दवाइयां नाल इस चीज़ को सैट कर सकते हैं, बट इस स्टेज के उत्ते अपने कोई ऑप्शन नहीं बचती, इत्थे आपां नूं जाके गोडा रिप्लेस करना ही पैंदा है। तो मैं तुहानूं बस यही सुझाव देवांगा कि तुसीं किस स्टेज पर हो बीमारी की, इस चीज़ को जाने बगैर अपने मन के गलत प्रताड़ना ना बनाओ कि हाँ जी कि सानूं गोडा बदलन की लोड़ है। एक चीज़ का प्रॉपर इलाज कराओ ताकि थोड़ा पता लग सके कि हाँ जी सानूं गोडा बदलन की लोड़ है भी कि नहीं। नीज की प्रॉब्लम जी यंगस्टर्स बहुत आ रही है, इसका कारण की है भी क्यों जो भी कह सकते हैं टीनएजर्स तक 15-15 साल के बच्चों भी आनी जी शुरू हो जाती है? कि न्यूट्रिशन अपना पहला तो ठीक रखना, दूजा स्टीरॉयड्स वगैरह जेडे पेशेंट बच्चे अजक ज़्यादा जिम वगैरह के चले जाते हैं, उत्थे उन्होंने जिम ट्रेनर्स ला लो होर ला लो, ज़्यादातर उन्होंने स्टीरॉयड्स दे के होर कहते हैं कि बॉडी मास बना लो होर है, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जी। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स, तो मैं हाँ कुवरजोत सिंह। अज असीं मौजूद हाँ प्रो लाइफ होस्पिटल, जिहड़ा तुहानूं दस दिए भी नी रिप्लेसमेंट का जिहड़ा है कैंप लग्या, तो साडे नाल इस टाइम मौजूद है डॉक्टर हरी बांसल। डॉक्टर हरी बांसल वाले तुहानूं दस दिए भी सीनियर कंसल्टेंट ऑफ ऑर्थोपैडिक एंड जॉइंट सर्जरी, तो हुण असीं इहनां नाल गलबात करदे हाँ। सर, सब तो पहली गल तां भी लोकां 'च इक डर बनिया रहिंदा जे जिवें नी 'च दर्द हो गया तो डॉक्टर्स कोल नहीं जाते, भी दिमाग च होंदा भी साडे जिहड़ा नी सीधा ही जाके रिप्लेस कर दिता जाएगा, इस ते तुसीं की कहना चाहोगे? बिल्कुल सही गल है जी थोड़ी, कि उन्होंने मन के सब तो पहले यही डर होंदा कि डॉक्टर साहब ने सानू जी दस देना है कि हाँ जी कि नहीं जी गोडा बदलन की लोड़ है, ठीक है जी। लेकिन हर एक स्टेज होंदी है जी, एक गोडा बदलन की अगर आप कहीए कि जिवें कि अगर तुसीं देख सको, मैं थोनू छोटी जी एक एग्जाम्पल देवां कि आपना नॉर्मल गोडा होंदा, ठीक है जी। इस स्टेज के उत्ते आपां गोडा नहीं बदलते, इस स्टेज के उत्ते आपां दवाइयां नाल इस चीज़ को सैट कर सकते हैं, बट इस स्टेज के उत्ते अपने कोई ऑप्शन नहीं बचती, इत्थे आपां नूं जाके गोडा रिप्लेस करना ही पैंदा है। तो मैं तुहानूं बस यही सुझाव देवांगा कि तुसीं किस स्टेज पर हो बीमारी की, इस चीज़ को जाने बगैर अपने मन के गलत प्रताड़ना ना बनाओ कि हाँ जी कि सानूं गोडा बदलन की लोड़ है। एक चीज़ का प्रॉपर इलाज कराओ ताकि थोनों पता लग सके कि हाँ जी सानू गोडा बदलन की लोड़ है भी कि नहीं। डॉक्टर साहब, गल आती है भी अजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है, जिवें नीज़ दर्द होने शुरू हो जाते हैं। नीज़ की प्रॉब्लम जी यंगस्टर्स बहुत आ रही है, इसका कारण की है भी क्यों जो भी कह सकते हैं टीनएजर्स तक 15-15 साल के बच्चों भी आनी जी शुरू हो जाती है? मेन चीज़ जी देखो, अगर आप शुरुआत कही तो न्यूट्रिशन का सब तो बहुत वड्डा रोल है। अजकल बच्चों का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, जंक फूड वाल ज़्यादा रुझाव है बच्चों का, जिस चीज़ का मेन कारण बनता है। दूजा चीज़ स्पोर्ट्स इंजरीज वगैरह लगा लो, इस चीज़ को पेशेंट्स इग्नोर कर देंगे अज के टाइम के ज़्यादा, उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं लगा लो कहिए आप, जिस चीज़ को समझन की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि न्यूट्रिशन अपना पहला तो ठीक रखना, दूजा स्टीरॉयड्स वगैरह जेडे पेशेंट बच्चे अजक ज़्यादा जिम वगैरह के चले जाते हैं, उत्थे उन्होंने जिम ट्रेनर्स ला लो होर ला लो, ज़्यादातर उन्होंने स्टीरॉयड्स दे के होर कहते हैं कि बॉडी मास बना लो होर है, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जी। बिना डॉक्टर की सलाह तो बगैर कोई भी मेडिसिन ना लो जिहड़ी कि थोड़ी सेहत को ख़राब कर सकती है। हुण यंगस्टर्स प्रॉब्लम आ गई, पहली गल तो जे फस्ट स्टेज पर है तो किदां उहदा बचा हो सकता है, तो जे ओपरेट की स्टेज पर पहुँच ही गया कि ओपरेट तो बाद अपनी सारी जिंदगी उदा ही जी सकता है, क्योंकि यंगस्टर्स की अगे जी मिडल एज भी आनी है, वो जी ओल्ड एज भी आनी है, कि उन्होंने बाद चो जाके प्रॉब्लम दे सकती है? देखो जी, यंगस्टर्स के अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लिए यंग एज के ही, तो आप इस सर्जरी का मेन एज है 60-70 के जाके, अगर आप इनू यंग एज के नीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिए, प्रॉपर फुटवेयर यूज़ करिए, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करिए, तो ये चीज़ में आप उन्ना ही ज़्यादा टाल सकते हैं, ठीक है। मेरे मन के हिसाब न कि अगर पहला तो तुसी अपना देखो जरूर कि दवाई नाल अपनी चीज़ ठीक हो सकती है कि नहीं, दूजी चीज़ अज के टाइम के लोग घटिया समान लगा के लगा लो, घटिया गोडे ला के बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं थोनों यही सुझाव दूंगा कि जी उस चीज़ तो बचो, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लैके कि थोनों उस चीज़ की लोड़ है बदलाव की कि नहीं है, फिर ही उस चीज़ का डिसीजन लो, इस चीज़ में पहला ही जल्दबाजी ना करो। तो एक व्यक्ति को किदा पता लगेगा कि मेरे नीस च प्रॉब्लम है? कई बार असं इग्नोर भी कर देते हैं जो दर्द हो रही है। देखो जे टाइम ड्यूरेशन थोनू किन्नी देर ली इस चीज़ की दर्द रहती है,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਮਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਯੰਗਸਟਰ ਖੜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਜੈਨੀਟਲੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੇ ਨੂੰ ਮੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।